रामचरितमानस को गाली देंगे। जिस विभाग की जिम्मेदारी है उस विभाग का भंडारदार वो लोग करेंगे। उस विभाग से जुड़ी हुई किसी भी विकास की योजना को वो धरातल पर नहीं उतारेंगे। ये ऐसी योजनाएं उस विभाग से जुड़ी हुई जाएंगे जहाँ पे एक धर्म विशेष की भावनाओं का के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। छुट्टियां भी अगर आप लाएंगे तो उसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई लाएंगे। भाई उनके परिवार के संपर्क में मैं हूँ और मैं यकीनन जल्द उनकी सहूलियत के अनुसार जहाँ पर वो मुलाकात करना चाहेंगे उनसे मैं मुलाकात करूंगा। उनकी इस वेदना को राज्य सरकार तक भी पहुंचाने का काम लिखित तौर पर पार्टी के द्वारा किया गया है। उम्मीद यही है कि परिवार को कम से कम इस परिस्थिति में न्याय और हर संभव मदद उन तक पहुंचे। ये प्रयास हम लोगों का और इस सरकार का भी होना चाहिए, ये उम्मीद मैं करता हूँ। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो और इस बात की आशंका तो मैंने पहले ही जाहिर की थी। कुछ दिनों पूर्व जब स्टालिन जी के सुपुत्र का ये बयान आया था, उदय निधि जी ने जब इस बात को कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उस दिन भी इस बात की आशंका मैंने जाहिर की थी कि क्या मुंबई में हुई बैठक में सनातन धर्म की समाप्ति को लेकर कोई रणनीति कोई योजना बनाई गई है, क्या वहां पर ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसके तुरंत बाद ये बयान सामने आया है। और ये दर्शाता है जो मंत्री का एक बयान अभी सामने आया, ये दर्शाता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यकीनन विपक्षी दलों के इस गठबंधन में इस तरीके की योजना बनाई गई है और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है। हम लोग बार बार उस बात के पक्ष कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। किसकी आस्था किस धर्म में है, कौन किस धर्म का पालन करता है किस धर्म का पालन नहीं करता है, ये पूर्णतः उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया है और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया, जो रामचरितमानस को गाली देंगे, जिस विभाग की जिम्मेदारी है उस विभाग का भंडारदार वो लोग करेंगे, उस विभाग से जुड़ी हुई किसी भी विकास की योजना को वो धरातल पर नहीं उतारेंगे। पर ऐसी ऐसी योजनाएं उस विभाग से जुड़ी हुई लाएंगे जहाँ पे एक धर्म विशेष की भावनाओं का के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। छुट्टियां भी अगर आप लाएंगे तो उसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई लाएंगे, उसी धर्म विशेष के ग्रंथ को आप गाली देने का आप काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये योजना तो बनाई गई है विपक्षी दलों में और ये जितने भी 26-27 जितने भी विपक्षी दल हैं, इनकी सोच है सनातन के खिलाफ, इनकी सोच है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ रणनीति को लेकर आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। विकास का एजेंडा ही नहीं है भैया।